आज हम लोग बात करेंगे इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में, बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में। जैसा कि हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है कि बताइए भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं या कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे कि भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं और किस राज्य में वो फेमस हैं, उनका विकास कहाँ से हुआ, उनका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे परफॉर्मेंस उसमें होता है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पता है भारत विविधताओं से भरा देश है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ कला कई रूपों में क्या है सामने आती है। ठीक है, साथ ही कला का एक ही रूप अलग अलग जगहों पर अपनी विशेषताओं के लिए खुद को संवारता है, यानी कि जो हमारी कला है एक ही रूप है लेकिन वो अलग अलग जगहों पर अपनी विशेषता के लिए खुद को संवारता है। यहाँ नृत्य के रूप में जो कि मौजूद है, जो कला है, अलग अलग दिशा में मानो नृत्य अपनी मुद्राएं बदल कर सामने आते हैं। मुद्राएं यानी पोशाक, यानी गेस्चर्स बॉडी के, यानी कि जो हाव भाव हैं उसको बदल बदल कर सामने आती हैं, और वही अलग मुद्रा एक अलग शास्त्रीय नृत्य का रूप ले लेता है। यानी कि अगर कोई भी पर्सनालिटी है डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनमें जो भी उनके बॉडी के गेस्चर्स हैं, जो उनके पोशाक हैं, अगर वो गेस्चर्स यानी जो हाव भाव है, जो उनके तरीके हैं, ठीक, उनकी जो मुद्राएं हैं, हस्त मुद्रा हो गई, ठीक, आँख है, ठीक है, और ये सब का जो मूवमेंट है वो अलग अलग पोशाक के हिसाब से देखें तो अलग अलग शास्त्रीय नृत्य का क्या देते हैं, रूप देते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर बात करें तो इसका सिद्धांत औचित्य है और प्रशिक्षण आदि एक सीखने वाले के लिए प्राचीन भारतीय परंपराओं से जुड़ता है। या ऐसा नृत्य जो प्राचीन भारतीय परंपराओं से क्या करता हो, हमें जोड़ता हो, उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। प्राचीन काल से ही इसे सीखने और सिखाने का प्रचलन चला आ रहा है, यानी एंशियंट टाइम से ही क्या हो रहा है, शास्त्रीय नृत्य को सीखने और सिखाने का प्रचलन चला आ रहा है, और यहीं से ही क्या होता है, गुरु और शिष्य का रिश्ते का भी प्रारंभ हो जाता है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। वेदों में ईश्वरीय सत्ता के पक्ष में कई नाटक हुआ करते थे, ठीक, ड्रामा हुआ करता था, जिसमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए न सिर्फ मंत्रों का उच्चारण किया जाता था बल्कि क्या किया था, इसके साथ साथ संवाद भी हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ का शास्त्रीय यहाँ की धरोहर है, यानी यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य वो यहाँ की धरोहर है। भरतनाट्यम यहाँ का सबसे पुराना और विख्यात शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यानी अगर बात करें भरतनाट्यम के बारे में तो इट इज द ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक है, इसका प्रमाण हमें नट सूत्र से मिलता है। अगर पेपर में कल के क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है शास्त्रीय नृत्यों का यानी क्लासिकल डांस का, तो नट सूत्र से प्राप्त होता है, जो लगभग 500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 500 BC के लिखे गए पाणिनि के संस्कृत व्याकरण में मौजूद है। भारत के संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। कई बार डायरेक्ट पेपरों में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, यानी क्लासिकल डांस कितने हैं, तो आपको टिक करना होगा 8। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, ठीक है, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, ठीक है, सत्रिया, उसके बाद मणिपुरी और फिर मोहिनी अट्टम। तो एक एक करके इनको हम लोग सीखेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे कि इनका विकास कहाँ से हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका ग्रोथ कैसे हुआ, और ये परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, इनके पोशाक कैसे होंगे। ठीक है, सब नृत्यों के अपने नियम हैं, यानी इन सभी के अपने अपने रूल्स हैं, ठीक, अपने सिद्धांत हैं और अपना अलग प्रशिक्षण है, यानी इनको सिखाने का तरीका भी अलग अलग है। इसलिए किसी एक नृत्य के बारे में जानकारी लेने पर हमें उसके उद्भव, विकास, उसकी परंपरा और साथ ही साथ उसके उद्भव स्थल यानी उसका जन्म कहाँ हुआ, इन सब के इतिहास के विषय में जानकारी के बारे में पता चलता है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बुनियादी कहा जाता है।
यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र यानी भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र पुस्तक है, जिसमें भारतीय शास्त्र की नृत्य की बुनियाद कहा जाता है, जिसमें 6000 श्लोक हैं, यानी कितने श्लोक हैं, 6000, जो 36 अध्यायों में लिखे गए हैं, यानी 36 चैप्टर्स में हैं। और कुछ पुस्तक में भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता चलता है। उन पुस्तक में बात करें शिव तांडव, रस ज्ञान, भाव, मुद्राएं, अभिव्यक्ति, अभिनय, तकनीकी और खड़े रहने का आसन। अन्य पुस्तक की और बात करते हैं तो अभिनय दर्पण, अभिनय भारती, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाश आदि। तो जो आपने देखा नाट्य शास्त्र था पुस्तक में, उसमें किसके किसके जिक्र है, शिव तांडव का है, रस ज्ञान का है, भाव का है, मुद्राएं उसमें है, अभिव्यक्ति है, अभिनय तकनीकी के बारे में है और खड़े रहने का आसन। अन्य पुस्तक की बात करें तो अभिनय दर्पण, अभिनय भारती, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाश, ये सब अन्य पुस्तकें हैं जिसमें से हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, पहला जो हमने बताया भरतनाट्यम, तो इसका उद्भव तमिलनाडु से है। कहाँ से है, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम कहाँ का अगर बात करें नृत्य है तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिरों से हुआ है इसका जो विकास हुआ है, वो तमिलनाडु के आसपास जो मंदिर थे वहीं से हुआ है। इसमें होता क्या है, एकक नृत्य फॉर्म है, यानी कि इसमें एक ही क्या करता है, एक ही नर्तकी होती है, नर्तक होता है जो फॉर्म करता है। और बात करें इसमें कि जो मुख्यतः जो इसमें होता है परफॉर्मर वो कौन होता है, वो फीमेल होती है यानी स्त्री होती है, ठीक, मुख्यतः यानी मेनली, अगर पुरुष भी है तो वो भी करता है लेकिन वो सिंगल परफॉर्मर होता है, ठीक है, भरतनाट्यम में। और इसकी जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो हिंदू परंपरा पर आधारित है। इसका प्रभाव की बात करें, वैष्णव, शैव, शक्ति आदि का प्रभाव है इसमें, इसमें वैष्णव, शैव और शक्ति आदि का प्रभाव है। इसमें मुद्राएं बात करें, स्थायी ऊपरी धड़ और स्थिर घुटना के साथ मुड़े पैर इसकी मुद्रा का एक खास रूप देते हैं, यानी स्थायी ऊपरी धड़, ऊपरी धड़ यानी कि अपर पार्ट बॉडी का, ठीक है, और जो स्टे रहता है, स्थिर रहता है, और घुटने के बल स्थिर मुड़े पैर इसकी मुद्रा को एक खास रूप देते हैं। इसकी खास इंगित भाषा का व्याकरण इसे अलग रूप देती है। नृत्य का प्रदर्शन प्रायः संगीत और गायक के साथ होता है, जो इसका परफॉर्म किया जाता है संगीत और गायक के साथ होता है। प्रदर्शन के समय नर्तक अथवा नर्तकी के गुरु निर्देशक के तौर पर वहाँ मौजूद रहते हैं। प्रदर्शन के समय जो नर्तक अथवा नर्तकी के गुरु होते हैं वो डायरेक्शन के लिए कैसे कैसे मतलब इशारा करते रहते हैं, उनको निर्देश देते रहते हैं, तौर पर वहाँ मौजूद रहते हैं। 19वीं सदी तक भारतीय मंदिरों में होता रहा है भरतनाट्यम, 19वीं सेंचुरी तक भारत के मंदिरों में होता रहा। फिर 1910 ईस्वी के आसपास ब्रिटिश सरकार ने इस पर क्या कर दिया, बैन करा दिया, ठीक, भारतीय लोगों का विरोध हुआ। 20वीं सदी में मंदिरों के बाहर करने लगे ये लोग, फिर परफॉर्मेंस अपना मंदिरों के बाहर करने लगे और किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। दूसरा बात करें तो आपने देखा भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु से प्रसिद्ध है, ठीक है। कथक के बारे में बात करें, दूसरा है शास्त्रीय नृत्य, वो यूपी से, उत्तर प्रदेश। उत्पत्ति संस्कृत के कथा से हुई है। अब कथक में देखिए दो शब्द आ रहा है, कथा और एक जो वर्ड आता है, ठीक है, वो है कथक। तो कथा में बात करें जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में कथा कहने वाले को कथक कहा जाता है। तो कथक एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, और जिसमें जो कथा कहता है उसे कथक कहते हैं संस्कृत के फॉर्म में। तो कथक की उत्पत्ति भक्ति आंदोलन और उस समय इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ तथा अन्य कहानियों की भी प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से होता है। तो यानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन के बारे में वर्णन किया जाता है डांस परफॉर्मेंस की वजह से, जो उनकी कहानियाँ थी उसकी वजह से। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। 16वीं सदी के आसपास मुगल बादशाहों के दरबार में भी फारसी भाषा के साथ इस नृत्य को पेश किया जाने लगा। तो कथक के बारे में आपने जान लिया, यूपी है, उत्तर प्रदेश। अगर आ जाए कथक कहाँ का नृत्य है तो उत्तर प्रदेश का, और कथक का मतलब हुआ कथा कहने वाला, यानी कि आपको पता चल गया कथक संस्कृत शब्द है, जो कथा कहने वाले उसे कथक कहते हैं।
अब इसमें वर्णन किसका है, नर्तकी जो भी होता है नर्तक वो क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानियों को उसमें क्या करता था, इंडिकेट करता था, यानी उसमें प्रस्तुत करता था। कथक तीन फॉर्म बना गया कथक का, एक बनारस, जयपुर और लखनऊ। तो कथक के तीन फॉर्म थे, बनारसी, जयपुरी और लखनऊ। मुख्य विशेषता थी इसके पैरों का मूवमेंट, यानी जो इसके पैरों का मूवमेंट होता है इसकी एक खास विशेषता है। अब आते चलते तीसरी जो हमारा क्लासिकल डांस है उसे कथकली बोलते हैं, कथकली। तो कथकली भी अगर देखा जाए तो ये भी इसमें भी कथक और कली दो चीज़ें शब्द हैं इसमें। तो कथकली ये कहाँ का है, केरला का है। कहाँ का है, केरला का है। तो केरल में 17वीं सदी के आसपास उद्भव और विकास हुआ इसका, यानी 17वीं सेंचुरी के आसपास इसका जन्म होता है, इसका ग्रोथ होता है। इसमें कथकली में दो शब्द हैं, कथक और कली। कथक का मतलब हो गया कथा और कली का मतलब हो गया प्रदर्शन। तो आपको पता है कला का प्रदर्शन करना ही कथकली है। कथक की ही तरह विशेष तरह से कहानियों का आर्ट फॉर्म है, यानी इसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग जो कहानियां हैं उनको इस डांस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नर्तक या नर्तकी को बहुत ही विशेष तरह की सज्जा दी जाती है, यानी डेकोरेशन भरे कपड़े होते हैं इसमें, ठीक है। बहुत रंगीन मेकअप यानी कलरफुल मेकअप होता है इसमें, और विशेष तरह के पोशाक में प्रायः पुरुष इस नृत्य को पेश करते नजर आते हैं, यानी इसको पुरुष पेश करते हैं और बहुत ही कलरफुल पोशाक में होते हैं। प्राथमिक तौर पर कथकली हिंदू धर्म की विशेषताओं के लिए जन्मी थी, जो हिंदी मिथकों महान व्यक्तियों की कहानियाँ कहती थी, यानी कि जो हिंदू मिथक थे वो महान मिथक थे, उन व्यक्तियों की कहानियाँ कहती थी। आधुनिक समय में इसके प्रदर्शन के समय अभिनय और नृत्य के साथ साथ एक गायक भी होता है, यानी मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, इस प्रदर्शन के समय अभिनय और नृत्य के साथ साथ एक गायक भी होता है। प्राचीन समय में नहीं रहने से अभिनेता और नर्तकी को इसका गायन करना पड़ता था। प्राचीन समय में गायक नहीं होता था, तो जो नर्तकी और अभिनेता होते थे वही आपस में क्या करते थे, गाना गाते रहते थे। चौथा नृत्य है वो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। इसका जन्म आधुनिक भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। कौन सा जिला था, कृष्णा जिला। कृष्णा जिला कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये भी धार्मिक विश्वास के लिए पनपा है। पारंपरिक कुचिपुड़ी में सारे कलाकार पुरुष ही होते हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल हमारा कुचिपुड़ी नृत्य है इसमें जितने भी कलाकार होंगे वो सबके सब पुरुष होंगे, यानी मेल वर्जन होगा, सबके सब मेल होंगे। जो मुख्यतः ब्राह्मण होते थे ये पुरुष प्रदर्शन के समय स्त्री का रूप ले लेते हैं। तो कल के पेपर में आए ऐसा कौन सा है नृत्य है, परफॉर्मेंस है, जिसमें सभी पुरुष होते हैं और स्त्री के रूप में परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो है कुचिपुड़ी, ठीक है। बहुत अच्छे पोशाक यानी ड्रेसेस और सज्जता के साथ इसे प्रेजेंट किया जाता है, यानी इनके ड्रेसेस बहुत ही अच्छे से सजाए जाते हैं और बहुत अच्छे पोशाक होते हैं। आधुनिक कुचिपुड़ी में ऐसी धारणा है कि तीर्थ नारायण यति और उसके शिष्य सिद्धेंद्र योगी ने बहुत व्यवस्थित तरह से इसे 17वीं सदी के आसपास विकसित किया। विशेषता क्या है कि इसमें भगवान विष्णु या कृष्ण पर आधारित वैष्णव परंपरा है। भगवान विष्णु और कृष्ण पर आधारित वैष्णव परंपरा है। ये तमिलनाडु में होने वाले भगवत मेला से बहुत मिलता जुलता है, यानी तमिलनाडु में होने वाले भगवत मेला से मिलता जुलता नृत्य कौन सा है, वो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट फैक्ट आते हैं ओडिसी। ओडिसी की बात करें, ये आपका 5वां में शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा हूँ ओडिसी, तो जाहिर सी बात नाम से ही लग रहा है कि कहाँ से संबंधित होगा, ओडिशा से। और ये मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा किया जाता परफॉर्मेंस है नृत्य है। इसमें धार्मिक विश्वास को आधार बनाकर नृत्य किया जाता है। भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप की कथाओं, यानी जो भगवान विष्णु हैं उनके जगन्नाथ रूप की कथाएं, क्योंकि भगवान विष्णु के जो जगन्नाथ रूप है वो उड़ीसा में ही है, मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, तो जगन्नाथ रूप की कथाओं और मिथकों को इस नृत्य में खूब अपनाया गया है। इसके अलावा भगवान शिव और सूर्य की कथाओं के आधार पर भी खूब किया जाता है। इसमें सांकेतिक पोशाकों को पहनकर हिंदू विश्वासों पर आधारित कविताओं पर या कथाओं के आधार पर कलाकार विशेष मुद्राओं के साथ नृत्य प्रस्तुत करता है। अगला है छठा सत्रिया। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है वो असम का है। कहाँ का है, असम का।
15वीं सदी के आसपास असम में रहे वैष्णवों के बीच इस नृत्य कला का जन्म हुआ, मुख्यतः भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित थी। 15वीं सदी के आसपास भक्ति काल के संत श्रीमत शंकर देव ने इसे भक्ति आंदोलन से जोड़ा। एक अंक में बात करें इसको तो अंकीय नट भी बोलते हैं, किसको, सत्या को अंकीय नट बोलते हैं। ये मुख्यतः कृष्ण राधा की कथाओं और कभी कभी राम और सीता की कथाओं पर ही क्या आधारित है, यानी इस डांस के परफॉर्मेंस के थ्रू इनकी कथाओं का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो सत्रिया समझ में आगे कहाँ का है, असम का है। मणिपुरी तो नाम से ही लग रहा है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, सातवां नृत्य है, जो वैष्णव थीम और राधा कृष्ण की प्रेम लीला रास लीला के लिए जाना जाता है। तो मणिपुरी डांस जो परफॉर्मेंस है वो वैष्णव थीम पर आधारित है, राधा कृष्ण की प्रेम लीला या रास लीला के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ये शिव शक्ति आदि की कथाओं का भी वर्णन करता है। इसका प्रदर्शन की बात करें तो इसमें नृत्य दल मिलकर यानी कई लोग मिलकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इनका जो पोशाक की बात करें वो विशेष किस्म की होती है, उसको कुमिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुमिल। तो अगर आपसे पूछा जाए मणिपुरी में जो पोशाक पहनते हैं लोग और ये ग्रुप डांस जो होता है उसको जो पोशाक होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम कुमिल है। क्या नाम है, कुमिल। मुद्राएं बात करें, नृत्यकों की हाथ और शरीर के ऊपरी भाग पर आधारित है, यानी जो डांस परफॉर्मेंस होता है उसमें हाथ और शरीर का ऊपरी हिस्सा उस पर आधारित है। अगला बात करते हैं आठवां, मोहिनी अट्टम यानी आठवां शास्त्रीय नृत्य और आखिरी। तो मोहिनी अट्टम की बात करें ये भी केरला से संबंधित है। कहाँ से है, केरला से। और इसमें होता क्या है कि आपको पता होगा भगवान विष्णु के बारे में आपने सुना होगा जिसमें मोहिनी अवतार पर आधारित होता है। अब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप कब धारण करते हैं, तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्या किया था कि जब भगवान विष्णु का यह अवतार जिसकी सहायता से भगवान विष्णु ने एक सुर असुर के बीच के युद्ध में देवताओं की मदद की थी, सुर असुर के युद्ध में देवताओं की क्या की थी, मदद की थी, और असुरों को भ्रमित किया था। तो असुरों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर लिया था, एक स्त्री का मोहिनी रूप यानी सुंदर से स्त्री का रूप धारण कर लिया। तो इस नृत्य में यानी कि जो आपने देखा मोहिनी अट्टम, किस लिए नाम पड़ा, क्योंकि मोहिनी रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, ठीक उन्हीं के अवतार पर आधारित यह नृत्य है। इस नृत्य फॉर्म में लस्य शैली का प्रयोग किया जाता है। अब ये लस्य शैली कैसी शैली होती है इसके बारे में बात करें तो बहुत ही कोमल भाव से यानी बहुत ही सॉफ्ट वे में इसके चित्रों को क्या किया, प्रदर्शित करना, यानी कि कोई भी बात को अपने मन से या अपनी आँख से, लेकिन वो किस तरीके से, कोमल भाव से यानी सॉफ्ट तरीके से कहना, जो विभिन्न मुद्राओं से दर्शाया जाता है। एकल नृत्य फॉर्म है यानी कि एक ही लोग मिलकर इसको परफॉर्म करते हैं और इसको सीखने के लिए महिलाओं को काफ़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। इसकी गीत की बात करें तो मणिपर्व नाम के एक भाषा में होता है। कौन से पर्व के नाम पे, मणिपर्व नाम के भाषा से होता है। अब मणिपर्व की बात करें तो संस्कृत और मलयालम से मिलकर बना है। मणिपर्व किस मिलकर, संस्कृत और मलयालम से मिलकर बना है। तो आपने देखा कि अगर बात करें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो संख्या में कितने हैं, आठ, कौन कौन से हैं, तो आपको मैंने बताया जैसे भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक है, कथक कहाँ का है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश का है। कथकली, कथकली कहाँ का है, केरला का है यानी केरल का। उसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद बात करें ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है, ओडिशा का। उसके बाद बात करें सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, असम का। मणिपुरी, मणिपुर का। मोहिनी अट्टम, केरल का। तो ये आठ शास्त्रीय नृत्य थे जो मैंने आपको बताए। और एक पेपर में आता है ऐसे नृत्य के, एक तरफ लिखा रहेगा नृत्य और एक तरफ लिखा होगा राज्य, तो पूछेंगे भाई सही सुमेलित करो कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो आपको पता है केरल का है। मणिपुरी, मणिपुर का है। ओडिसी, ओडिशा का है। सत्रिया, असम का है। भरतनाट्यम, तमिलनाडु का है। कथक, केरल का है। कथकली, तो ऐसे करके आपको क्या किया जाए, पूछा जाएगा, तो कथकली कहाँ का है, आपको पता ही है केरला का है। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है। तो जब भी कभी भी आता है तो आप सही से सुमेलित भी कर लेंगे। क्रम पूछा जाता है कितने शास्त्र नृत्य हैं, तो आठ पे टिक करिएगा, एट यानी आठ।
तो इस प्रकार से आपको हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया। दैट्स ऑल फॉर द डे।